कल शाम की तेज आंधी और तूफान ने शहर में काफ़ी नुकसान और कोहराम मचाया। वहीं अब सुबह से ही कई लोगों को इस आंधी तूफान से हुई क्षति और जब सुबह होते ही प्रशासन के अधिकारियों से मदद की गुहार लगाते बहुत से लोग नजर आए, वहीं उन्होंने मदद नहीं मिल पा रही। वहीं एक मामला आया है मनी माजरा के चंडीगढ़ से, जहां एक निवासी जिसकी की कार के ऊपर रात की तेज़ आंधी और तूफान की वजह से एक बड़ा पेड़ उनकी कार के ऊपर गिर जाता है और जिस पेड़ का वजन ज़्यादा होने की वजह से वह लोग वह पेड़ को उठा नहीं पाते, जिसकी वजह से वो असमर्थ नज़र आए। वहीं जब व्यक्ति द्वारा प्रशासन के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सुबह से लगातार फ़ोन किया जाता है तो रविवार का दिन होने की वजह से उन्हें फॉरेस्ट विभाग से किसी तरह की मदद नहीं मिल पाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन को लोगों को इस आंधी और तूफान का ज्ञान नहीं था, या जिसने देर शाम उड़दंग मचाया पर तो क्या विभाग को आज शहर में जाकर लोगों की समस्याओं या अन्य कोई मदद के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम नहीं करना चाहिए था। वहीं इस पूरे वाक्यों की वीडियो बनाकर व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। ये देख सकते हो भाइयों कितना बड़ा नुकसान हुआ है, यहाँ किसकी गलती कह सकते हैं, किसी की भी नहीं, लेकिन हम हेल्पलेस हैं क्योंकि हम सुबह से चंडीगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल कर रहे हैं बट कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा है। हमें चंडीगढ़ प्रशासन की मदद की ज़रूरत है क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई हमें कहीं ना कहीं से तो चाहिए। इतना बड़ा पेड़ है, इसको हम खुद उठाने में तो सफल नहीं होंगे और कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई या कोई भी बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है। इस वीडियो को देखें और आगे से आगे शेयर करें।